जी बिल्कुल, आज जो इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे इलाके के मौजूदीन मोतबरीन यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे आज इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई है। तकरीब के मेहमान खास थे सरबराह जमाली अकवाब मीर जुल्फ़िकार खान जमाली, रिटायर्ड मेजर मीर ज़ुबैर खान जमाली व दीगर अकवाम से ताल्लुक़ अहबाब थे। बहुत शुक्रिया सर, जो इफ्तिताही तकरीब के आप मेहमान खास थे, क्या कहना चाहेंगे सर? मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इनको, मशकूर हूँ इनका। जान मोहम्मद जाना हफीज़ और हाजी ने हमें मदु किया मेहमान खुसूसी के तौर पे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इनके रिस्क में बरकत दे और शहरियों को इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। शहरियों से भी गुजारिश है, आपके भाई हैं, इनकी मदद करें, इंशाल्लाह ये आपको बेहतर सहूलत देंगे। मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइस ऑडियम। इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान शादी हाल, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोग्राम तरतीब दिया गया जो इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई है। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खास थे सरबराह जमाली अकवाम मीर जुल्फ़िकार खान जमाली, रिटायर्ड मेजर मीर ज़ुबैर खान जमाली व दीगर अकवाम से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब ने यहाँ पर शिरकत किए। हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान सैयद आगा रहीम ग्रुप के सूबाई नायब सदर मीर मोहम्मद रहीम बांगलूजी साहब। सर बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बलूचिस्तान मैरिज हाल का इफ्तिताही तकरीब हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आप साफ़ी बरादरी का शुक्रिया करता हूँ कि आप इन मौके पर आए। उसके बाद मैं जमाली अकवाम के सरबराह मीर जुल्फ़िकार खान जमाली, मीर ज़ुबैर खान जमाली, मीर मुजफ़र खान जमाली और जमीयत उलमाए इस्लाम के हमारे जो मरकज़ी कायदीन हैं अली मुराद खान वडेरा, साबिर हुसैन लाशारी साहब, डी एस पी खादिम हुसैन और इस पंडाल में शादी हाल में बैठे हुए तमाम मेरे मोजज़ीन, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप दोस्तों को इस प्रोग्राम के तवसल से ये आगाह करूँ कि उस्ताद मोहम्मद एक 3 लाख आबादी का एक शहर है। यहाँ पर शादी हाल पहले 3 शादी हाल हैं लेकिन वो शहर के अंदर हैं। जिस तरह के ये बलूचिस्तान मैरिज हाल आपके जो ज़ोरगढ़ में वार्ड 2 में है, ये मीरफाई खान जमाली के पम्प के बैक साइड में है, मेन रोड पे है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि हमारे शहर में पार्किंग का मसला था, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जान मोहम्मद मंगी साहब और अब्दुल हफीज़ उनके फर्जंद हैं और मंगी बिरादरी ने, और हमने भी उनको ये एक मशवरा दिया कि उससे बेहतर है कि एक शादी हाल होना चाहिए जो शहर से थोड़ा बाहर हो ताकि पार्किंग का इशू है वो ना हो। और इस शादी हाल का सबसे बड़ी बात दिलमुरा साहब आपको कहूँ कि ये ऐसे समझो बिल्कुल रियायती है, क्योंकि आज जो महंगाई का जो हालात है, जो महंगाई का तनासुब हम देख रहे हैं, तो हर आदमी जो इसको डेकोरेशन के चीज़ें हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आपको यहाँ पर एक बनाया हुआ एक घर ऐसे समझो मुहैया हो रहा है। और मैं तमाम अपने शहरियों को और इस शहर के जो इस उस्ताद मोहम्मद के जो इलाके में हैं उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आएँ यहाँ पर, जो जितने भी आपके अजीज़ करीब हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनकी अगर शादियाँ हों तो ये ऐसे समझो फुल एक सेपरेट है। और ये क्या है कि शादी यानी कि बरसात के मौसम से आंधियों से अगर बाद अवकात नुकसान होते हैं, शादियों के जो मौसम में बारिश होते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं, ये एक अच्छा सा एक माहौल बना हुआ है, घरेलू माहौल है। दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी कि आएँ और ख़िदमत का मौका दें। हम अपने शहरियों को ज़रूर मैं ये कहूँगा कि आपके खातिर हमारे ताजर बिरादरी इस तरह के जो आपको खिदमत का मौका मुहैया करते हैं तो आपका भी हक है कि उनको साथ दें। नाज़रीन ये था मोहम्मद रहीम बंगलूजी। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेयर मैसूर कॉरपोरेशन उस्ताद मीर मुजफ्फर खान जमाली और मेजर रिटायर्ड मीर ज़ुबैर खान जमाली, सरबराह जमाली अकवाब मीर ज़ुल्फ़िकार खान जमाली, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अली मुराद खान साहब व दीगर अकवाम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहबाब ने आप शिरकत दी। बताना चाहूँगा जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो बलूचिस्तान शादी हाल के नाम से यहाँ पर आज इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई है, ये आपके लिए है? आप दूसरे शहरों में जाते थे, सिंध में जाते थे, अलहमदिल्ला आपके अपने शहर में माशाल्लाह बेहतरीन यानी कि गजा के साथ, बेहतरीन यानी कि पैकेज के साथ आपको ये अपनी सर्विस देगा। देखने वाले उससे गुजारिश करूँगा आप अपनी कमर से राय जरूर दीजिए। तो जस्ट चाहूँगा देखते रहिए वैसा उस्ताद मुल्सन।